हाय गाइस, वेलकम टू रिंकीज एंजल। लेकिन तो यस, अब हम कर रहे हैं जुलाई के लिए फोरकास्ट, जैसे मैं रेगुलरली करती हूँ, तीन टैरो कार्ड्स और एक एंजल मैसेज। तो इस महीने जो मैं डेक यूज कर रही हूँ वो है एंजल आंसर्स। अगर आप बहुत टाइम से मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको पता है ये डेक कैसे यूज करते हैं, और जो लोग न्यू है मेरे चैनल पे, मैं उनको बता देती हूँ कि आपको एक सिचुएशन जो आपके लाइफ में करंटली चल रही है, जो प्रेजेंटली आप जिस चीज़ में कहते हैं थोड़ा अटके हुए हो, या आपको समझ नहीं आ रहा कि इसका क्या होगा या क्या करना चाहिए, तो आप वो क्वेश्चन दिमाग में सोच लीजिए। ये वीडियो देखने से पहले, अपनी राशि का देखने से पहले, आप वो क्वेश्चन दिमाग में मेडिटेट कर लीजिए बेसिकली एक मिनट के लिए। तो उसके अकॉर्डिंगली ये आंसर आपके लाइफ में आप रिलेट कीजिए, तो जो आंसर आएगा वो आपके सिचुएशन का आंसर होगा पर्टिकुलरली। तो ये एंजल आंसर डेक मैं यूज़ कर रही हूँ, और तीन टैरो कार्ड जैसे मैं रेगुलरली करती हूँ। आई होप आपको ये पसंद आए, आई होप ये आपको राइट डायरेक्शन में गाइड करे, एंड यू फील वेरी वेरी मोटिवेटेड टू वर्क हार्ड इन लाइफ। सो दैट्स अबाउट, एंड वी मूव ऑन टू एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। मैं आप लोगों के लिए तीन टैरो कार्ड्स ब्लॉक कर रही हूँ और एक एंजल मैसेज, एंजल आंसर जिसे हम कहते हैं। तो तीन टैरो कार्ड और एक एंजल आंसर, देखते हैं इस महीने टैरो और एंजल्स आपको क्या बता रहे हैं। जो पहला कार्ड है वो है क्वीन ऑफ सॉल्स। क्वीन ऑफ सॉल्स बता रहा है कि यू नो, आपके सराउंडिंग्स जो लोग हैं वो आपको पॉजिटिविटी फील करवा रहे हैं, आपको मोटिवेट फील करवा रहे हैं, आपको आपकी राह तक पहुंचने के लिए मदद कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपको आपके सराउंडिंग्स से मिल रही है, बट ये जो टाइम है वो अपने आप से मोटिवेट फील करने का, यू नो, बिकॉज आपके सराउंडिंग्स जो लोग हैं वो आपको हेल्प कर पा रहे हैं, बट आप अपने आप को नहीं हेल्प कर पा रहे हो, आप उनकी नहीं सुन पा रहे हो, आप कहते हैं ना सुना अनसुना कर रहे हो। नहीं, टैरो आपको बता रहे हैं इट्स द टाइम टू पुश योरसेल्फ, इट्स द टाइम टू मोटिवेट योरसेल्फ। अपने अंदर अपने एक जुनून लाइए, जो चीज़ आपको करनी है, जो आपका मकसद है लाइफ का, उस तक पहुंचने के लिए आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। आपने जो एक अपने आप को प्रिपेयर कर रखा हुआ था, बट सडनली यू नो कुछ चीज़ें आपके फेवर में नहीं गई तो आपने वो गिव अप कर दिया है। नो, टैरो इज टेलिंग यू, यू आर नॉट गिविंग अप ऑन इट, यू नो, उसे नहीं छोड़ना है, अपने मकसद पे जुड़े रहना है, अड़े रहना है, और चीज़ें अपने आप यू नो आपके सामने कल्टिवेट होगी और वो खुशी आप बयान नहीं कर पाओगे। सेकेंड कार्ड इज दी हैंग्ड मैन। दी हैंग्ड मैन बता रहा है इट्स ओके टू हैव डिफरेंट ओपिनियंस, इट्स ओके टू थिंक इन अ डिफरेंट वे। कहीं बारी क्या होता है कि हमारी जो ओपिनियन है वो सबके साथ मैच नहीं होती है, तो जिसके वजह से काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बट दैट इज ओके, यू डू नॉट नीड टू चेंज योर ओपिनियन फॉर समबडी। जो आप फील करते हो, जो आप अंदर से एक आती आवाज़, उस पर अड़े रहना है, उस पर जुड़े रहना है, कहीं ना कहीं वो आवाज़, वो एक ओपिनियन आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस दिलाएगी आपके फ्यूचर में। तो इट्स द टाइम यू नो टू फोकस ऑन व्हाट यू फील इज राइट, बिकॉज दैट इवेंचुअली इज गोना बी राइट। आई एम टेलिंग यू व्हाई, बिकॉज आपका जो एक इंट्यूशन पावर है वो भी काफ़ी स्ट्रांग है इस महीने। हर एक इंट्यूशन जो आपको आ रही है उसे एक्नॉलेज कीजिए, उसे एक्सेप्ट कीजिए। यू नो, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुछ साइंस देख रहे हो यूनिवर्स में, एवरी टाइम अगर आपको कुछ लग रहा है, यू नो दिस इज अ साइन, एटलीस्ट थैंक द यूनिवर्स सेइंग दैट थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये साइन दिया, जिसके बलबूते पे मैं अपने जिंदगी में मुझे क्या करना है वो मैं फिगर आउट करूंगी। जो थर्ड कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स बता रहा है इस महीने भी आपको अपॉर्चुनिटीज काफ़ी आ रही है, यू नो, हर एक चीज़ जो, जैसे कहते हैं ना, जिस पर आप हाथ रखोगे वो चीज़ आपकी हो जानी है इस महीने। तो आप बहुत ज़्यादा लकी फील कर रहे हो, पॉजिटिव फील कर रहे हो, बस जो भी आपने दिमाग में थॉट्स भर रखे हुए, अपने आप को ब्लॉक कर रखा हुआ है, वो सब खोल दीजिए, बिकॉज दिस लुक्स अ वेरी गुड मंथ फॉर यू। तो इट्स द टाइम, अगर आपको कुछ इन्वेस्ट करना है किधर, राइट टाइम फॉर यू, गो अहेड एंड डू इट, प्लान एवरीथिंग अकॉर्डिंगली। Angel answer for you is you are ready. Angels are telling you the situation is clear. मतलब सब कुछ sorted है, आप ready हो, आप कोई भी चीज़ पे hesitate मत feel कीजिए, अपने अंदर जो एक डर है वो सब मिटा दीजिए, because it's the time, you are ready for it, and just go ahead and take that one step forward which is the need of the hour. तो इस वक्त आपको वो situation में काम करना है, आगे बढ़ना है, and that's about it. सो आई होप ये मैसेजेस आपको मोटिवेट करे, राइट डायरेक्शन में गाइड करे मोर देन एनीथिंग, एंड यू फील ग्रेट अबाउट लाइफ। सो दिस इज अबाउट इट फॉर यू गाइज फॉर जुलाई। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड फॉर माई अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।